नहीं सर, ग्लोबल के साथ में हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सिग्नेचर ग्लोबल ने जो एक मार्केटिंग की है, टीवी पे हो या आपका सोशल मीडिया पे हो या न्यूज़पेपर्स में हो, तो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी लोग मार्केट में घर देखने के लिए आते हैं उनको एक आइडिया होता है सिग्नेचर ग्लोबल एक ब्रांड है। और जिस तरह से NCR में एक अच्छा काम किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में, स्टार्टिंग में जैसे कि 7-8 साल पुरानी कंपनी है, स्टार्टिंग में इन्होंने दे हैव स्टार्टेड विद अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में एक इन्होंने एक नया चेंज लेके आए हैं कि जो लोग पहले छोटी कॉलोनियों में जाना पसंद करते थे जिसका एक बजट 30-35-40 लाख का है, तो वो लोग अब सोचते नहीं थे कि वो सोसाइटियों के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जब से सिग्नेचर मार्केट में आया है तो उस एक कॉन्सेप्ट बदला है और एक कम बजट वाला भी इंसान अब सोच सकता है कि सोसाइटीज़ में रह सकता है। सोसाइटीज़ में रहने के अपने फ़ायदे होते हैं, इसलिए लोग उस तरफ जा रहे हैं। आज स्टार्टिंग से ही जैसे कि अफोर्डेबल के बाद अब इन्होंने स्टार्ट किया है कि लग्जरी सेगमेंट में भी दे हैव ट्राइड। सोहना में एक प्रोजेक्ट आया है इनका ग्लोबल बिजनेस पार्क के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोकेशन वाइज बहुत अच्छी हैं, वो सैश आपका न्यू गुड़गांव ले लीजिए या सोहना रोड पे ले लीजिए या सेक्टर 63 में ले लीजिए। और उसके साथ साथ एक टाइम चीज़ और भी रही है इनके साथ में, एक इतना अच्छा जो ब्रांड बना है सिग्नेचर की, टाइमली डिलीवरी रही है इनके जो भी प्रोजेक्ट्स की, जो एक टाइम लिमिट कमिट की है उस पर इन्होंने डिलीवर किया है इसको। तो एक ट्रस्ट जो एक कस्टमर्स के बीच में जगह है उससे बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक ट्रस्ट फैक्टर की वजह से होता क्या है कि जब एक क्लाइंट सेटिस्फाइड है किसी ब्रांड के साथ में, तो वो माउथ पब्लिसिटी जो होती है एक दूसरे को लोग कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्प करती है लोगों को, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है सिग्नेचर के लिए। और उसके साथ साथ जो इनकी सेल्स टीम है या फिर CRM टीम है, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप कभी भी किसी इश्यू को लेकर इनके पास जाइए, वो चाहे चैनल पार्टनर हो या फिर क्लाइंट हो, तो इनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर एक विद इन ए टाइम बाउंड पीरियड में मिलता है इनकी तरफ से। तो वो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको एक अच्छा ब्रांड आज बनाया है सिग्नेचर को। और उसके साथ साथ जो इनकी डिलीवरी, जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, तो एक लोग खुश हैं। और जो खुश हैं इसलिए शायद कोई भी ब्रांड जब आगे बढ़ता है, उसकी सेल्स तो कोई भी ब्रांड कर देता है लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अगर अच्छी होती हैं तो ब्रांड को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सिग्नेचर ने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है और उसकी वजह से आज एक अच्छा ब्रांड बन के उभरा है पूरे, आई थिंक NCR का तो नंबर वन ब्रांड है ही और पूरे देश में लोग जानते हैं आज। हम अक्रॉस द इंडिया क्लाइंटेज है हमारे पास, तो जब भी लोगों से बात होती है तो कोई भी डिस्कशन होता है, अगर अफोर्डेबल के लिए कोई बात होती है तो सिग्नेचर का नाम डेफिनेटली आता है। तो इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो, और एज ए चैनल पार्टनर हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है स्टाफ यहाँ पे, वो आपका चाहे CRM हो या सेल्स हो, तो टाइमली जो हमारे पेमेंट्स होती हैं टाइमली डिलीवर होती हैं वो, और क्लाइंट्स को भी जो डिलीवरीज हुई हैं वो टाइमली हुई हैं, इसलिए क्लाइंट्स आर हैप्पी।